अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो क्या हैं, वो कौन हैं, वो कैसे दिखते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले जाकर आप उनका प्रोफाइल देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन और पैट्रन एंड चीफ ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद, और इसके अलावा सीईओ हैं खान जी हॉस्पिटल के और सीईओ हैं हाजी सलीम खान ट्रस्ट के, और हमारे साथ मौजूद हैं शुएब खान जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का लाख लाख करम है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह इतना सब कुछ कर रहे हैं, शुरुआत आपने किस चीज़ से की थी? देखिए जी, मेरी वैसे तो बेसिक जो हमारा कारोबार है वो पेट्रोलियम और सीएनजी सेक्टर है। सही। और मैं माशाल्लाह थर्ड जनरेशन और मेरे जो बच्चे हैं वो फोर्थ जनरेशन, हम यही काम कर रहे हैं। अच्छा। और हमारे पास जो एक साइड है यहाँ पे गुलशन इकबाल में, हाँ। वो इतनी पुरानी है कि वो पाकिस्तान को जहेज में मिली। अच्छा। मतलब उस पाकिस्तान बनने से पहले भी वो पेट्रोल पंप था, हाँ। अभी भी पेट्रोल पंप है और हम ऑन करते हैं, हमारे आबाओ अजदाद से चलते हुए हमारे तक पहुँचा है। अच्छा। तो पेट्रोलियम से हमारा कारोबार वाबस्ता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक तंजीम है आल सिटी ताजर इत्तेहाद, उसमें भी परफॉर्म करते हैं, बिजनेस की सियासत करते हैं। बिल्कुल। मैं इस साल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में एमसी मेंबर हूँ सीएनजी सेक्टर की तरफ से। ओके। वो भी बिजनेस एक्टिविटी वहाँ चलती रहती है। उसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा वालदेन के साले सवाब के लिए मैंने एक ट्रस्ट बनाया जिसका आपने भी कहा कि हाजी सलीम खान ट्रस्ट के नाम से, और जनवरी 2017 में मैंने उसके तहत एक हॉस्पिटल बनाया, हाँ। मंगो पीर एक कराची का एक पसमानदा इलाका है वहाँ पे, और वहाँ माशाल्लाह तमाम जो भी नीडी पीपल्स होते हैं, डिजर्विंग लोग होते हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। अच्छा। 30 बेड का एक जनरल हॉस्पिटल है और साढ़े पाँच साल से हम उसे चला रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमें एक सादत दी अपने वालदान के। किस तरह के लोग आते हैं आपके पास ज्यादातर? देखिए जी, वो जो इलाका हमने मुंतखब किया है मंगो पीर, वहाँ सब लेबर तबका रहता है और आसपास तमाम फैक्ट्रियाँ हैं मार्बल की। सही। तो वो लेबर तबका ही हमारे पास आता है। शुरू में मैंने कुछ नॉमिनल सी फीस रखी, 50 रुपए पर्ची की, तो मैंने रियलाइज किया लोगों को 50 रुपए देते हुए भी ना उनको बड़ा तकलीफ होती थी। सही। तो मैंने फिर उसको ओपीडी बिल्कुल फ्री कर दी, और जो भी नीडी पीपल होते हैं हमारे पास यहाँ गायनी बहुत अच्छी है, मेजर ऑपरेशन करते हैं, कंप्लीट एक जनरल हॉस्पिटल है। तो जिस मर्ज में भी मुब्तला कोई शख्स आता है तो हम दिलो जान से उसकी खिदमत करते हैं ताकि उसके तवज्जो से मेरे वालदेन की मफरत होने में कुछ तख़फ़ीफ़ हो सके। तो इसका हॉस्पिटल का बनाने का मकसद यही था आपका कि आपके जो वालदेन हैं उनको एहसाले सवाब जो है जा सके? जी बिल्कुल। नहीं, देखें हमारे वालदेन हमें इतना नवाज के जाते हैं कि हम पूरा उम्र बैठ के आराम से खाते हैं, हमारी औलाद भी आराम से खाती है। तो जब हम अपने वालदेन के लिए क्या करें? सही। और जब रोज से मैशर अपने वालदेन से मुलाकात होगी तो उनके लिए कोई तो गिफ्ट लेके जाएं, कोई तो तोहफा लेके जाएं, और फिर वालदेन के लिए तोहफा जो है ना वो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ही होना चाहिए। ये नहीं है आज भी हम अपनी जिंदगी में अपने घर वालों के लिए, वाइफ के लिए या अपने वालदेन के लिए कोई चीज लेके जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, तो हम यकीनी तौर पे एक अच्छी चीज का इंतखाब करते हैं जिसे वो देख के खुश हो। सही। मैंने भी उसी सोच से ये सब कुछ किया, मगर जैसा आपने मुझसे एक सवाल किया कि ख्याल कैसे आया, ये स्टोरी में कई दफा मुख्तलिफ चैनल्स पे लोगों को। I just want to know कि आपको ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, ऐसी क्या चीज आपके दिमाग में आई कि आपको लगा कि मुझे ये चीज करनी चाहिए? देखें जी, मैं तो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बिल्कुल था, इसीलिए मैंने बिजनेसमैन जो होता है ना उसका काम होता है सिर्फ पैसा कमाना। बिल्कुल।
और मैं भी उसी धुन में सवार था और मैं पैसे कमाता था और उस पैसे कमाने की धुन में हम कुछ भी नहीं देखते, हम बड़े सख्त होते हैं और बिजनेसमैन की जेब से पैसा निकालना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ओहो। मैं ये बात है सन 2009, 2010, 2011 की, जब मैं रात को सोता था तो मुझे ख्वाब में आता था कि मैं किसी हॉस्पिटल जैसी जगह पे घूम रहा हूँ और मैं मरीजों से पूछूं भाई आपकी तबीयत ठीक है। अच्छा। फिर 2011-2012 में इतने शिद्दत से ख्वाब आने लग गए कि मैंने इसकी ताबीर अपने कुछ दोस्तों से और ताबीर करने वाले लोग जो समझते हैं उनसे पूछने की कोशिश की। सही। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि शायद आप बीमार होने वाले हैं, किसी ने कहा कि आपकी दूसरी शादी जो है ना किसी डॉक्टर से होगी या किसी नर्स से होगी, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मतलब इस तरह की ताबीरें आपको बताई गई, लोग बताते थे। फिर हमारे एक बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, क्योंकि मुझे ना डेली ये ख्वाब तंग करते थे, डेली रात को मैं सोऊं और इस ख्वाब की वजह से मैं उड़ जाता था। अच्छा। तो फिर हमारे एक बुजुर्ग हैं, मैंने उनसे भी इसी तरह तस्करा किया कि मुझे रोज रात को ये ख्वाब आता है, तो उसने कहा यार आप इसमें कोई मुस्बत पहलू देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने कोई हॉस्पिटल बनाना है। मैंने कहा भाई मेडिकल फील्ड से मेरा वास्ता ही नहीं है, मैं कैसे हॉस्पिटल बनाऊंगा। बिल्कुल। ये वो ख्वाब था जो मुझे तंग करता था। सही। और आप, मैं इतने खुशी महसूस करता हूँ, अक्सर आप अंग्रेज का एक जुमला सुनते हैं, ड्रीम्स कम ट्रू। यस। तो ये मेरा ख्वाब है जिसे मैंने पूरा किया, जिसको मैंने अपने वालिदैन के नाम पे डेडिकेट किया। और आप यकीन करें 5 साल से जब से मैं इस फील्ड में आया और मैंने यहाँ काम शुरू किया, लोगों की जो है दुआएं समेटना शुरू की, बहुत कम तो दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि जिनके ख्वाब पूरे होते हैं। बिल्कुल। तो आप माशाल्लाह से खुशनसीब इंसान है कि आपने अपने ख्वाब को पूरा किया, अपने सामने शर्मिंदा ताबीर किया। देखे जी, और ख्वाब भी देखे, ये अल्लाह पाक ने मुझसे काम कराया, मेरी इस्तेआत या थी या नहीं थी। मैंने जैसे कहा कि मैं एक प्योर बिजनेसमैन था, सिर्फ बिजनेस करना मुझे आता था, मगर अल्लाह पाक ने पकड़ के मुझे इस काम में लगाया। मैं अपने आप को बड़ा अच्छा वो समझता हूँ कि मुझे ये सआदत मिली और ख्वाब के थ्रू मिली, और अल्लाह पाक ने ना चाहते हुए, मेरे ना चाहते हुए मुझसे ये काम लिया, क्योंकि अगर मुझे ये ख्वाब नहीं आते और मैं इसको शर्मिंदा ताबीर नहीं करता तो आज मैं बिजनेसमैन ही होता हूँ, मेरी शनाख्त बिजनेसमैन की हैसियत से ही होती। सही। मगर इसका रिवॉर्ड इतना बड़ा है ना, सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो ये मिलता है आपको कि आप ज़हनी तौर पे बहुत आसूदा हो जाते हैं। अल्लाह ने आपको अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुन लिया, इससे बड़ी और क्या बात होगी। देखिये जी, एक तो आप आसूदा हो जाते हैं बहुत, आपको दुनिया की सारी फिक्र जिक्र खत्म हो जाती है इस काम के बाद ना, जब आप खल्के खुदा की खिदमत की, क्योंकि वो हमारा कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ हमने सिर्फ देना ही देना है और लोगों की दुआएं समेटनी है। आप यकीन करें, एक पेनाडोल 1 रुपए की मिलती है, 10 रुपए का पत्ता है। हाँ। वो भी किसी को दे के आप इतनी दुआएं खरीद सकते हैं जो आप 1 अरब रुपए खर्च करके नहीं ले तो सकते। तो आपने जब से हॉस्पिटल बनाया, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप मिलते हैं लोगों से? बिल्कुल जी, मैं डेली बेसिस पे वहाँ जाता हूँ, और आस्था आस्था, जैसे आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS, एक बड़ी मशहूर फिल्म जी, 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 जी। वो भी बन गया हूँ, मुझे मेडिकल फील्ड का भी बहुत अच्छी तरह पता चल गया, मुख्तलिफ बीमारियों का पता चल गया। अच्छा। और हमारा काम होता है बस सिर्फ लोगों को ना दिलासा देना वहाँ पे, और उनको ये खुशी देना। देखें जी, घर में जब कोई एक फर्द बीमार हो जाता है, आपकी वालदेन या बहन या भाई, वाइफ, बच्चे, उससे पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता बिल्कुल है। ऐसे है। तो फिर वो जब कोई आदमी बीमार होता है ना, बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, और उसको छोटी छोटी चीजों पे ना बड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बीमार रह रह के बंदा जो है बीमार। और अक्सर आपने सुना होगा कि जब हम किसी मरीज की इयादत के लिए जाते हैं तो मरीज हमें कहता है या मेरे हक में दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊं। बिल्कुल। जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आप किसी बीमार की इयादत करने जाएं, उस बीमार को कहें कि वो आपके हक में दुआ करे, क्योंकि जब कोई शख्स बीमार होता है तो अल्लाह के इंतहाई नजदीक हो जाता है। बिल्कुल सही। वो शख्स जब आपके लिए दुआ करेगा तो यकीनी तौर पे एक आपके लिए बहुत मामला आसान हो जाएंगे, सही रास्ते खुल जाएंगे। तो ऐसा शख्स जो कि अल्लाह के करीब हो चुका है, उसकी कोई खिदमत करना मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा काम होता है, कि ऐसे लोगों की खिदमत करना जो किसी आप कितना बैठते हैं ऐसे लोगों में जाके उनके दुख सुनते हैं। मैं सुबह तकरीबन जो है ना 12-1 बजे चला जाता हूँ। अच्छा। और मगरिब तक 7 बजे तक मतलब आप लोगों में, उन लोगों में बैठते हैं? बिल्कुल, फ्रिक्वेंटली बैठता हूँ,
और हफ्ते में 4 दिन तो लाजमी मुझे वहीं वो होना होता है, हाँ। क्योंकि डे एंड डे हाथ पे हाथ ना आपने डिसीजन लेना होता है कि ये पेशेंट है, इसको फ्री करना है, इसके ऊपर इतना खर्चा होना है, उसके फंड उसी टाइम अरेंज करना, सही। उसके लिए मेडिकेशन अरेंज करना, उसके लिए सर्जन अरेंज करना, अगर गायनी का पेशेंट है तो उसके लिए भी सर्जन अरेंज करें ताकि बोन बेबी जो इस दुनिया में आएगा। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने आपको तस्करा किया था कि हमारे यहाँ गायनी बहुत ज्यादा है और तकरीबन 2-3 बच्चे डेली पैदा होते हैं। सही। आप यकीन करें मैंने हजारों बच्चों के कान में अजान दी जो इस दुनिया में आते हैं, और उस टाइम पे ये बहुत बड़ी एक सआदत मुझे अल्लाह मियाँ ने दी कि वो हाँ। बच्चा जो इस दुनिया में आया है हाँ। तो उसकी अजान की आवाज़ है वो मेरे मुँह से निकलती है और मैं उसे उस बच्चे की इस दुनिया में आमद पे उसके कान में अजान देता हूँ। मैं कहता हूँ इससे बड़ी सआदत अल्लाह पाक बिल्कुल दे ही नहीं सकता किसी बिल्कुल को। हजारों के हिसाब से बच्चे हम पैदा कर चुके हैं वहाँ पे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफा होता है, और माशाल्लाह हमें अपने इस निस्बत पे बड़ा फख्र है कि हमारे किसी छोटे से काम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ये तो एक छोटी सी मैंने आपको सआदत बताई, हालांकि देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और घर में कोई भी फर्द उसको अजान कान दे में सकता अजान है दे देता है, ऑब्वियसली। मगर मुझे ये सआदत हासिल है कि मेरी कोशिश होती है कि जो भी बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ हो हाँ, उसे अजान मैं दूँ। सही। एक बस एक छोटा सा बहुत खुशी महसूस होती है हाँ हाँ कि हाँ मैं इस आने वाले बच्चे की कान में पहला लफ्ज जो है ना मेरा पड़ा। सही। और फिर देखें जी अजान हमारे की यहाँ आवाज पहले जो है वो आप जो, मैं उनके कान में सही। अजान देता हूँ, तो मुझे अपने इस अपॉर्चुनिटी पे जो मुझे मिलती है वहाँ पे मैं इससे बड़ा खुश होता हूँ कि अल्लाह सही। पाक ने मुझे इतनी बड़ी सआदत दी। और दूसरा मेडिकल फील्ड ऐसी है जी, वक्तन फोक्तन मेडिसिन पिछले दो अदवार में जो हमारे पास तब्दीली सरकार थी उन्होंने मेडिसिन के रेट इतने बढ़ा दिए कि एक आम आदमी जो थोड़ा खुशहाल भी होता है हाँ, उसके घर में खुदा ना खासा कोई बीमार हो जाए हाँ, आप यकीन करें वो बहुत परेशान हो जाता तो है। अभी जो है मेडिसिन के जो रेट्स हैं अभी सही हैं? नहीं जी बहुत हाई फाई अभी है, तो बहुत ज्यादा बहुत बहुत महंगाई हो बहुत चुकी ज्यादा हो गए है। हैं। पेट्रोल देखें आप कहाँ चला गया, 4-5 दिन के अंदर 60 रुपये लीटर चला गया, और ये जो उससे सीएनजी है ये हर दूसरे दिन जो है सीएनजी का फुकदान क्यों पड़ जाता है, सीएनजी बंद कर देते हैं, ये क्या होता है? देखिए जी मुशर्रफ दौर में हमें बुलाया गया कि आप आएँ, उस वक्त ज़रूरत थी कि जी आप ये वाला काम शुरू करें, हमारे पास गैस भी वाफर मकदार में है, और हमेशा हमें ये वादा किया गया कि सीएनजी और पेट्रोल जो है वो 30-70 का रेशो रहेगा, पेट्रोल हाँ। महंगा होगा और सीएनजी सस्ती रहेगी। हमने इस वादे के साथ हम यहाँ आए, हमने तकरीबन 4 अरब मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, अच्छा। पूरे पाकिस्तान में 3,600 स्टेशन बने और इससे तकरीबन डायरेक्ट 4 लाख लोग और इनडायरेक्ट तो 30-35 लाख लोग वापसते हैं इस इंडस्ट्री से, अच्छा, जिसे सीएनजी की इंडस्ट्री से, सीएनजी इंडस्ट्री अच्छा। से। वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है गैस कम होती गई, हम एक वक्त आया 2007 और 2008 में पूरी दुनिया में गाड़ियों में सीएनजी इस्तेमाल करने वाले एक नंबर पे मुल्क बन गए, सही। हमारे पास एक पोर्टफोलियो आ गया, बाकी तो किसी चीज़ में पाकिस्तान 1 नंबर है ही नहीं, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट फ्री हुआ, पोल्यूशन खत्म पोल्यूशन हुई, कम हो जाती है सस्ती उससे। गैस थी, हाँ। गरीब आवाम के काम आई, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी लगाई गई। फिर शहरी किस्मत जिस तरह आप देखते हैं कि दो आलमी जंग पानी पे हो चुकी है, वो तीसरी भी उसी पे होनी है। अच्छा। पाकिस्तान में बोरान आया तो गैस पे जंग शुरू हो गई, हर सेक्टर ने चाहा कि गैस उससे मिले। हाँ। हमारी चूंकि मुद्दत ही बहुत थोड़ी थी, हमें तो आए हुए भी 20 साल भी नहीं हुए, 20 साल किसी भी इंडस्ट्री के लिए ना बहुत छोटा सा एक वो होता है, वक्फा होता है, तो हमसे गैस छीन ली गई। इसी अच्छा। तरह पहले हफ्ते में 2 दिन बंद करें, फिर 3 दिन बंद करें, फिर कभी 2.5 महीने के लिए फ्रिक्वेंटली बंद कर बिल्कुल। देते हैं। अभी अब आप अचानक पता चलता है कि सीएनजी स्टेशंस जो हैं वो एक बंद हो पूरे चुके पूरे हैं। पंजाब में बंद पड़े हैं, हाँ। सिंध में सिर्फ 10% सीएनजी स्टेशन खुले हैं, बाकी सब बन गए। वजह क्या बनी कि पेट्रोल से कई गुना ज्यादा रेट हो गया। अब इस यहीं से टाइम हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे जाना है ब्रेक पे, तो व्यूअर्स मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेल
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम बैठे हैं शुएब खान जी के साथ और बड़ी अच्छी बातें चल रही थी। तो मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे थे कि सीएनजी जो है वो एकदम से जो है मिलना बंद हो गई, ये स्टेशन क्यों बंद कर दिए जाए? देखिए जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सीएनजी हमेशा सस्ती होनी थी और पेट्रोल महंगा होना था। हाँ। अब इस टाइम पे 310 रुपए केजी सीएनजी है। हाँ। और 210 रुपए अब आके 60 रुपए बढ़ने के बाद 210 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है पर लीटर। आप मुझे बताएं कौन आदमी जो है ना सीएनजी डलवाएगा? सही, सब लोग सस्ता फ्यूल लेंगे ना पेट्रोल। तो अब फ्यूल सस्ता तो नहीं है? देखें जी, सीएनजी से तो सस्ता हो गया ना। अच्छा, सीएनजी से सस्ता हो गया। सीएनजी हम पहले लोकल गैस पे थे, सीएनजी की वजह से जो है ना एनवायरमेंटल फ्री के साथ साथ पेट्रोल का जो हम बाहर से पेट्रोल मंगवाते हैं और जो हमारा डॉलर इन्वॉल्व होता है उसमें बहुत कमी होती थी, क्योंकि गाड़ियां आधी से ज्यादा पेट्रोल सीएनजी पे चलती थी। सही। कराची शहर की अगर आप बात करें तो सदर आज से 10-15 साल पहले कैसा था, अब आप जाके देखें कोई धुआं नहीं है वहां पे, कोई आपको जो ना डस्ट नहीं मिलती सिर्फ सीएनजी की वजह से। मगर इन लोगों के लोगों ने जो है सीएनजी पे अपनी गाड़ियां करवा ली थी। अच्छा। मगर अभी लास्ट ईयर दिसंबर से लेके फरवरी तक 2.5 महीने के लिए सिंध के चैप्टर को बंद कर दिया गया। अच्छा। अब आप जो सीएनजी पे गाड़ी चलाते हो 2.5 महीने क्या करेगा वो, क्या घर में फारिग बैठा रहेगा? तो फिर क्या करेगा? उसके बाद जब सीएनजी इस अमल से पहले हम सिर्फ सिंध की अगर बात करें तो हम 110 से लेके 115 तक MMCFD गैस पर डे यूज करते थे। जब ये 2.5 महीने के बाद सेक्टर खोला आप सिर्फ 3 MMCFD गैस यूज करते हैं। सारे लोगों ने गाड़ियां ही कन्वर्ट कर दी, हटा दिया, बेरोजगार हो गए। ये तब्दीली सरकार जो कि ये वादा लेके आई थी कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ में से 4 लाख तो हमारे लोग बेरोजगार हो गए। सही, ठीक है, बिल्कुल। एक आदमी ने अपना घर बेचा, अपनी दुकान बेची, अपना सोना बेचा, बैंकों से लोन लिया और सीएनजी सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट की। हाँ। आज वो कहाँ खड़ा है? वो जो मशीनें है हमारी वो स्क्रेप है, 3 डब्बे के उस पे जाएंगी। मगर बेरोजगारी कितनी फैल गई, आप देखें आजकल जो बेरोजगारी का आलम है, जगह जगह लोग जो ना खुदकुशियां कर रहे हैं। सही। स्नेचिंग देखें, ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब खान साहब आए थे? बिल्कुल बिल्कुल, जो तो जब वो आए थे तब आप ये भी तो देखें, ये उनमें यही कहती हूँ उनका बैड लक है कि जब वो आए थे तो कोविड आ गया था। देखिए जी, कोविड ने पूरी दुनिया को मुतासिर, बिल्कुल ऐसा ही है। कोविड के बाद क्या हुआ? हाँ। उसके बाद तो चलना चाहिए था ना सब कुछ। सही। कोविड में सिर्फ आम आवाम ने सफर किया, कारोबारी हजरात ने सफर किया, गवर्नमेंटों के तो मजे आए हुए थे, उनको तो दबा दबा के फंड मिल रहे थे। और ये मुझे बताएं कि समेत कारोबारी तबके के आम आवाम ने पाकिस्तान में कोविड में कैसा जबरदस्त किरदार अदा किया कि बाहर के मुल्कों ने भी हम लोगों की तारीफ की कि पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जहाँ के कोविड की जो भी SOP थी उस पर अमल किया गया। सही। कोविड के बाद क्या हुआ? कोविड के बाद भी यही सारे सिलसिले हैं। वजह क्या है? देखें जी, हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, यहाँ एनर्जी क्राइसिस है। बिल्कुल। एनर्जी में सिर्फ गैस नहीं आती, गैस है, बिजली है, वो तमाम जराए जिससे तवानाई पैदा होती है उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। यहाँ पे तो सिर्फ बिजली के बिल्स पैदा होते हैं और बिजली नहीं आती है, ये इस वजह से। देखें जी, तवानाई को, बोहरान को हल करने के लिए जिन लोगों को काम करना चाहिए था वो नहीं थे, ना अहल लोगों को बिठाया गया था। आप एक माशाल्लाह वेल नोन टीवी एंकर हैं, मैं एक आदमी का आपको सामने ले आऊंगी, इसकी बाईपास सर्जरी कर दें, आप कर लेंगी? मैं कभी भी नहीं करूंगी। मैं कैसे कर सकते? ऐसे लोग जिनका उस सेक्टर से वास्ता नहीं होता उनको हमारे पे क्यों मुसलत किया जाता है? चलें बात कर लेते हैं फिर मौजूदा हुकूमत की। अभी जो हुकूमत आई है और एकदम से एक के बाद एक उन्होंने महंगाई का जो एक बॉम्ब फोड़ा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आवाम पे बहुत बुरे हालात हैं सबके साथ, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले पेट्रोल बढ़ा था तो तब भी लोग चीख रहे थे और अब तो मेरे ख्याल में 217 रुपये हुआ, 210 रुपये हो गया, तो इससे भी आगे जाने का इम्कान था, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह से शायद वो डर गए या फिर वो रुक गए। नहीं जी, गेट रेडी रहे, ये तो 30 रुपए करीब, अभी भी जो पेट्रोलियम प्राइस है उसमें 8 से 45 रुपए का डिफरेंस है, फिर 30 रुपए उसमें लेवी टैक्स जो गवर्नमेंट लिया करती थी वो नहीं ले रही, 17% GST पहले गवर्नमेंट लिया करती थी वो नहीं ले रही। देखें जी, यूक्रेन और रूस में जंग हुई, उसका मलबा पूरी दुनिया में आया। सही, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस आए, पेट्रोलियम
क्राइसिस आए, तो ये इतनी बड़ी बड़ी आलमी ताकतें जो बैठी हुई हैं, वो इन चीजों को क्यों नहीं कंट्रोल करती हैं? वो क्यों पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करती हैं? हमारा रूस की और मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को जी आए हुए तो अभी जुमा जुमा 10 दिन हुए, और मगर ये जरूर है कि इसके पुराना दौर जो था 2018 से पहले, उसमें यकीनी तौर पे एनर्जी क्राइसिस पे इन्होंने बहुत ज्यादा काबू पा लिया था। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे किसी और चीजों से सरोकार नहीं है, मुझे तो इतना पता है कि मेरा काम पेट्रोलियम और गैस से चलता है, मुझे गैस चाहिए। और मुझे गैस जो है ना, मेरा कोई अपना कुआं तो है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही मुझे ये पूरा करके देगी कि जी ये गैस है, आप इसको इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हों, गाड़ियों में डाल रहे हों, इंडस्ट्री चला रहे हों। तो जब तक पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस खत्म नहीं होंगे, उस वक्त तक जो है ना ग्रोथ बहुत मुश्किल है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। तो सबसे पहले बहसियत एक बिजनेसमैन में तो तमाम जो भी अभी भी जो बरसर इक्तदार लोग हैं, खुदारा पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को खत्म किया जाए, ताकि हम लोग कारोबार कर सकें। देखिए कोई चीज महंगी होना या सस्ती होना, पूरी दुनिया में आलमी दुनिया में महंगाई हो रही है, सही, मगर आप बिजनेस तो करने दें, कोई आदमी कमाएगा तो वो सस्ती हो चाहे महंगी वो चीज खरीद लेगा, सही। जब उस चीज का वजूद ही नहीं है, एक आदमी की बाइंग पावर ही नहीं है, उसको आपने बिल्कुल 30,000-40,000 रुपए में कोई आदमी घर चला सकता है आजकल? नहीं चला सकता। तो आप उसकी जो है ना ग्रोथ तो करें, उसकी सैलरी बढ़ाएं, कारोबार लेके आए। सारी दुनिया में कारोबार ही एक ऐसी चीज होती है जिससे पूरी मईशियत चलती है, सही। हमारे यहाँ जो है ना सिर्फ सियासत होती है, पेट्रोलियम प्राइस पे भी सियासत होती है। इमरान खान साहब ने माशाल्लाह 3-4 महीने पेट्रोलियम प्राइस नहीं बढ़ाया, उसे सब्सिडी देते रहे, और एक ही दफा में फिर वो सब्सिडी जो है ना हमारे ऊपर नजला बन के गिरी। ऐसी सब्सिडी का क्या फायदा था? थोड़े थोड़े करके बढ़ाते तो आज हम इस क्राइसिस में नहीं होते। आज आप यकीन करें, लोग पेट्रोल पंप के सामने से गुजरना गवारा नहीं करते, इतना महंगा फ्यूल हो गया है, कोई लेने को तैयार ही नहीं है। उसके साथ साथ फिर देखें, आज से कुछ दिन पहले 60 रुपए कम था, 160 रुपए इसमें तकरीबन 150 रुपए पर लीटर था, आज 210 रुपए हो गया। तो पैदावार लागत हम पे कितनी गुना बढ़ गई, जो एक टैंकर हमें 21-22 लाख रुपए में पड़ता था, आज वो टैंकर हमें 50 लाख रुपए में पड़ रहा है। पैदावार लागत, आपको लगता है ये सब जो है किया कराया ये खान साहब की वजह से हुआ? आई होप सो के उनकी नाहलियों की वजह से, और उनके ऊपर जो हम पे मुसल्लत लोग थे, हाँ। जो के उस फील्ड के माहिर नहीं थे, उनको बिठा दिया गया था, हम पे मुसल्लत कर दिया गया था, उनकी नाहली की वजह से, वो बर वक्त कोई अच्छे इकदाम ना करने की वजह से हम इस हाल पे पहुंचे। तो मौजूदा हुकूमत से आप खुश हैं? मैं खुश नहीं हूँ जी। देखे हम कारोबारी लोग हैं, हमारा बेसिक मकसद होता है हमें लेवल फील्ड दी जाए, हमें एक ग्राउंड दिया जाए जिसमें हम कारोबार कर सकें। जब कोई कारोबार हमें नहीं करने देगा या हमारे लिए इतने रोड़े अटका देगा, तो वो चाहे किसी की भी हुकूमत हो, हमें उससे क्या लेना देना? बिजनेसमैन जो है खुसूसन दुनिया में, सारी दुनिया में और पाकिस्तान में भी किसी पार्टी का नहीं होता, सही। हम तो जो बरसर इक्तदार पार्टी होती है, जो हमारे सरपरस कहलाते हैं, जो रियासत चलाते हैं, जो है सारे हकूक पूरे कर रही जी, जो रियासत चलाते हैं, देखें जी पूरी मईशियत हम कितना टैक्स देते हैं? सिर्फ कराची शहर 76% टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान का। तो कराची को ही आप लोग जो है ना इतने वबाल में डाल देंगे, ना गैस है, ना बिजली है, ना नायर नाडर का मसला है, स्नेचिंग यहाँ सबसे ज्यादा है, कैसे चलेगा पाकिस्तान? सही। तो कराची को तो इनको चाहिए सबसे ज्यादा बेनिफिट दें, और बहरहाल जी अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, अल्लाह पाक हम पे ऐसी करम नवाजी करे। ये तो इस तरह के इश्यूज हैं कि जिस पे हम जब भी बैठ के बात करेंगे तो बात निकलती है तो बहुत दूर तलक चली जाती है, तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, और जो हमारे सरों पर बैठे हैं कम से कम उनके अंदर एक एहसास होना चाहिए अपनी आवाम के लिए। इतना कर लेना जो किसी के कारोबार को बंद ना करें। हाँ। जो एक आदमी कारोबार कर रहा है उसको कारोबार तो करने दें। सीएनजी सेक्टर को इन्होंने बिल्कुल क्लोज कर दिया। हाँ। बंद कर दिया, दीवार से लगा दिया। हाँ। अब उस गैस का ये क्या करेंगे? अब कोई गैस ले भी आता है हमारे किस काम की गैस है? लोग गाड़ियां कन्वर्ट कर चुके हैं, 2-2.5 महीने एक आदमी अपनी गाड़ी घर में खड़ी रखे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कोई हाल नहीं है हमारे यहाँ के, चले अगर वो नहीं है कोई मेट्रो ट्रेन यहाँ भी चले, कोई मेट्रो बस यहाँ भी चले कराची में, ठीक है आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, आप मेट्रो तो यहाँ पे अभी चल तो रही है बसेस? नहीं जी, कहाँ है, ख्वाब में ही है खाली। मुझे ये बताएं, पैट्रन इन चीफ ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद से भी ताल्लुक है आपका, ये क्या है? देखिए जी, ये यहाँ पे एक तंजीम है जो कि ताजरों की भलाई के लिए बनाई गई है। वक्तन फोक्तन गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से कोई भी मामलात आते हैं, हम फ्रंट पेज पे जाके
गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करते हैं, कोविड में भी हम बार बार जाते रहे, कोई भी ऐसा मसला या इशू आता है तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचता है, हमारे तक पहुंचता है। हमारे पास तकरीबन कोई 80 मार्केटें हैं, 80 से भी ज़्यादा हैं कराची में, जितनी बड़ी बड़ी तारिक रोड हैं, सदर है, क्लिफ्टन की मार्किट्स हैं, सैनिटरी मार्किट्स हैं, जितने भी कारोबारी बड़ी बड़ी मार्किट्स हैं वो अपनी मार्किट के साथ साथ हमारी आल सिटी ताजर इत्तेहाद के साथ भी जमे, और हम ताजरों की बेहतरी के लिए और ताजरों पे जो जिस किस्म का कोई मामला आता है उसको हल करने के लिए फ्रंट पेज पे जाके इक्तदार आला जो लोग होते हैं उनसे बात करते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। जब अचानक से ये खबर सुनने को मिलती है कि ताजर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी, मतलब होता है अक्सर, तो न्यूज में सुनते रहते हैं हम लोग। देखिए जी, अक्सर ऐसे ऐसे ये लोग ब्लंडर कर देते हैं। अभी एक सेल टैक्स में एक आया POS, पॉइंट ऑफ सेल, उसमें इन्होंने पहले ये ऑप्शन रखा कि जिस दुकान जो है तकरीबन कोई 1000 स्क्वायर फुट की दुकान हो, जिसमें क्रेडिट कार्ड की मशीन हो, जिसमें एसी लगा हुआ हो, वो अपनी सारी सेल जो है वो रिकॉर्ड करेगा और FBR को हाथ पे हाथ टैक्स भरेगा। अच्छा, मगर इन्होंने तो कोई दुकान का खांचा ही नहीं छोड़ा, जो भी था बस सबको उसमें लपेटे में ले लिया। इतने सारे टैक्सेस के बाद पॉइंट ऑफ सेल, ये क्या, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। हमारे ताजर बरादरी का ये मुतालबा था कि हम पे कोई फिक्स टैक्स एक और लागू कर दें और हम उसे देते रहे, इतना रिकॉर्ड मेंटेन करना। देखे जी, एक आम ताजर जो दुकानदार कपड़े की दुकान पे कोई बैठा हो, वो क्या हर एक चीज की कंप्यूटर लेके एंट्री करे, अपना पूरा माल एंट्री करे, फिर लोगों को FBR को दिखाए? तो आप जो एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक मिसाल है कि आपको 100 अरब रुपए टैक्स चाहिए, उसको ना हम पे लागू कर दें फिक्स टैक्स, हम देने को तैयार है। मगर इस तरह हर थोड़े दिनों बाद एक नया बजट, एक मिनी बजट आ जाता है जिसको हम देखते हैं तो वो हमारी पैदावारी। जब ये बजट की न्यूज आती है तभी पता चलता है कि ताजरों ने जो है हड़ताल कर दी, ऐसे ये रीजन होता है। बिल्कुल यही रीजन होता है, हमें कोई लेवल फील्ड नहीं दी जाती। जो भी अरबाब इख्तियार लोग आते हैं उनका सारा नजला हम पे गिरना होता है, ताजर बरादरी पे, किसी तरह इनको ना परेशान करें और इनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लें। मैंने आपको पहले ही बताया पूरे पाकिस्तान का 76% टैक्स जो है वो कराची शहर दे रहा है। कराची गरीब की माँ है या जो भी आता है, माशाल्लाह भूखा नहीं सोता, उसके जेब में पैसे होते हैं। तो ये पता नहीं क्यों कराची को टारगेट करते रहते हैं, सारी मेन इंडस्ट्रीज जो हैं वो कराची बिल्कुल, में बिल्कुल, सबके हेड ऑफिसर्स जो हैं वो भी कराची में ही हैं, और फिर कराची से जो है सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जाता है? देखिए जी, यहाँ सड़कें आप देखें क्या हाल है, आप तो 2-4 दिन से इधर देख रही होंगी ना, सड़कों का बुरा हाल है, बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब सिचुएशन है यहाँ कि आप कहीं रास्ते में खड़े होते हो, कोई बाइक वाला आपके करीब से भी गुजरते हैं, आपके दिल में डर आता है, मेरा मोबाइल गया, मेरा वॉलेट गया, आपको लगता है कि बस, बिल्कुल ऐसा सूरत हाल है। आप सिग्नल पे भी खड़े हैं ना, और कोई बाइक आपके बराबर में आके रुकती है तो बस आप समझते हैं कि मैं लुट गया। मतलब इतने डरे हुए लोग हैं आप, इतने हर दूसरे दिन देखें जी, किसी ताजर को कभी मार दिया जाता है, किसी को गोली लग जाती है, कोई जख्मी हो जाता है, हम तो यहाँ हर एक चीज से नबाजमान। सो व्हाट डू यू थिंक, हु इज द रिस्पांसिबल, किसको चाहिए कि इन चीजों पे? रियासत पाकिस्तान जी, जो लोग बरसर इक्तदार हैं वो तो देखें आप अपने साथ कितने बड़े बड़े काफिले लेके घूम रहे होते हैं, जैमर लगाए होते हैं, क्या कुछ किया हुआ होता है उन्होंने, सारी सिक्योरिटी के उनके खराजात देखें कितने, तो एक आम आदमी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल कोई उसकी सुनवाई नहीं है, जहाँ जाए जिधर जाए उसको कोई नहीं पता उसको किसने कब लूट लेना है, उसकी जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, चोरी डकैती सबसे ज्यादा है यहाँ, ना रास्ते सेफ हैं, बहुत ही बुरा हाल है कराची का जी। कराची के लिए तो मैं कहता हूँ एक स्पेशल पैकेज, जैसे इमरान खान बोलते बोलते थक गया, कोई वादा उसने वफा नहीं किया, पता नहीं कितने अरब का पैकेज लेके हमारे लिए कराची में आके हमें के जाते थे, वो कुछ नहीं किया। इससे अब जो बरसर इकतदार लोग हैं, खुदारा मेरी उनसे गुजारिश है, फरमाइश है, इल्तजा है, हाथ जोड़ के इल्तजा है कि खुदारा कराची के लिए कुछ करें, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसके लिए कुछ करें, FBR का किबला दुरुस्त करें। हम टैक्स देना चाहते हैं, हम टैक्स चोर नहीं है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें, मगर हमसे कोई तरीके सलीके से टैक्स तो ले। ये गुंडागर्दी और हर रोज एक ऐसा डर खोल देना जिससे FBR जो है ना वो, और FBR तो नहीं मगर FBR में काम करने वाले लोग दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, और FBR और पाकिस्तान के जो कौमी खजाने में टैक्स जमा होना होता है
वो पूरे तरीके से सही तरीके से जमा बिल्कुल नहीं हो जी, पाता। ये कोई तरीका नहीं होता है। अगर आप किसी से मतलब इस तरह की कोई बात करनी भी है या टैक्स मतलब आपको चाहिए भी है तो इस तरह से नए नए नोटिसेस भेज के तो तंग नहीं करना चाहिए किसी को। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ और मैं चलती हूँ अभी एक ब्रेक पे। व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम बैठे हैं शुएब खान जी के साथ और बड़ी अच्छी इनके साथ चिटचैट चल रही है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है लोगों को किस तरह से चैरिटी की तरफ आना चाहिए। आपका जो हॉस्पिटल है उसको ऑब्वियसली अगर आप एज अ चैरिटी हॉस्पिटल आपने खोला हुआ है तो लोगों को चैरिटी की तरफ किस तरह से आना चाहिए अगर कोई करना चाहे तो। देखें जी, लोग समझते हैं कि शायद आपके पास बहुत माल मता और दौलत है और एक्स्ट्रा है तो ही आप चैरिटी कर सकते हैं। जबकि मेरे अपने जहन की इस तरह है और मेरा ये ख्याल है कि चैरिटी हर एक इंसान कर सकता है जो इस दुनिया में आया है। चैरिटी सिर्फ रुपए पैसों से नहीं होती, चैरिटी हम सब इंसान जो इस दुनिया में आए हमारे पास एक कीमती तरीन चीज़ होती है। हमारी सबसे कीमती तरीन चीज़ वो है हमारा वक्त। हम उसका तयन करते हैं सुबह उठ के कि हमने ये अपना वक्त कहाँ सर्व करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो उस अपने कीमती तरीन चीज में से कुछ लम्हे निकाले राह खलके खुदा के लिए, जो उसकी कैपेसिटी में काम है। आप कुछ नहीं करें, 100 रुपए के एक दर्जन केले आते हैं। आप किसी भी फारिग टाइम में कभी ना एक शॉपर में 100 रुपए केले लें, अपने करीब किसी भी हॉस्पिटल में जाके जो मेरा मरीज आपको नजर आए उसके सराहने रखें, उससे तबीयत पूछें, उसे उसे ये इत्मीनान दिलाएं कि आप ठीक हो जाएंगे, आप अल्लाह पाक करम करेगा। आप यकीन कीजिएगा आप जब जाएंगी ना वो हर शख्स को बुला बुला के कहेगा ये कोई आया था, मुझे केले देखे गया, मुझे दुआएं देखे गया, मेरी खैरियत पूछी गया, उसका दिमाग ही अपनी बीमारी से हट जाएगा। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि महीने में एक दफा किसी एक दिन हम आधे घंटे के लिए किसी भी हॉस्पिटल में जाके काम कर सकते हैं? यकीनन हम कर सकते हैं। और जब हम ये करेंगे हमारे घर में हमारे बच्चे देखेंगे तो वो भी यकीनी उनको तौर भी पे इस चीज की आदत पड़ेगी। हाँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बेबाह पैसा है तो आप चैरिटी करें। आप रास्ते में कोई ऐसी चीज है जो कि हर्डल्स बनती है लोगों के लिए उसको हटा दें। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो रास्ते से एक कंकर भी उठा के साइड पे रखता है पता नहीं कितना बड़ा वो है। कोई आप नहीं आपके पास आया किसी भी हाजत लेके, आप उसकी हाजत पूरी नहीं कर सकते। आप उसे झाड़े ना, उसकी बात तसल्ली से सुने, उसको दिल को तसल्ली दें और देखिएगा वो कितना इत्मीनान होके आपके पास जाएगा। हालांकि आपने उसको कुछ नहीं दिया। ये सारी बातें जो हैं वो एक ही चीज से रिलेट करती हैं और उसको एहसास बोला जाता है। अगर आपके अंदर एहसास नहीं है किसी के लिए तो मेरा यकीन माने कि आपका कोई फायदा नहीं है कि आप इंसान कहलाएं। वो इंसान मेरे ख्याल में इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होता कि जिसके अंदर एहसास ना हो। इट्स ऑल अबाउट यू नो, एक फील आएगी आपको, अगले का दर्द जो है आप फील करेंगे तो आपको लगेगा कि वो दर्द में है। सो दिस इज ऑल अबाउट, बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जो है अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं, जरा शो को नॉर्मल करते हैं और चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। मुझे ये बताएं स्कूलिंग कहाँ से थी आपकी? स्कूलिंग जी कराची शहर से ही थी। और जिस वक्त में मैंने आई हैव डन माय इंटर इन 1986, अच्छा 86 में मैं इंटर कर चुका था और 89 में मैं अपनी ग्रेजुएशन भी कर चुका था। अच्छा, तो उस टाइम पे तो सिर्फ सरकारी स्कूल हुआ करते थे। सही। और हमने भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा और अल्लाह का फजल है कि फिर बिजनेस भी किया और एक कामयाब जिंदगी की तरफ रागब हुए। फिर मैंने MBA किया। अच्छा। MBA तो मैंने बड़ा लेट किया, तकरीबन 97-98 में। अच्छा, इतना लेट क्यों, इतना गैप बस वो एक तो उस टाइम जमाने में जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल की तो कराची में MBA करने का कोई इदारा नहीं था। हाँ। और कोई इस तरह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी नहीं थे। सही। ना उस वक्त कंप्यूटर को इतना कोई जानता था ना पहचानता था, मतलब इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी तब। हमारे सामने सारी चीजें आई तो हमने भी इससे इस्तेफादा किया। अच्छा। और मैंने MBA किया उस वक्त तकरीबन 1998 में आई हैव डन माई MBA। तो बस उसको बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी किया और अल्लाह का लाख लाख करम है कि एक सक्सेसफुल लाइफ भी गुजारी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी रहे। फिर अल्लाह पाक ने हमें ये सादत दी कि हम चैरिटी में आए। अच्छा। और ये काम भी शुरू किया। तो मुझे तो ये तमाम जर्नी में सबसे जो लास्ट पार्ट है चैरिटी का,
वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने जी, कि छांव देते हैं जो सहरा में किसी को, हाँ, छांव देते हैं जो सहरा में किसी को, मेरा दिल ऐसे दरख्तों को वली कहता है। आप कभी देखें, हर इंसान को उस दरख्त की मानिंद होना चाहिए क्या बात कि वो खुद सहरा में खड़े होकर धूप बारिश हर तरह की चीज को बर्दाश्त करता है, सोबतों को, मगर उसके छत्तर छांव कोई भी शख्स आ जाए वो उसको तो छांव वो देता उसको है। छांव देता है। हाँ। और दूसरा भी इसी तरह अल्लामा इकबाल साहब का ही शेर है कि आदाब मेजबानी अगर सीखना है तो दरख्तों से सीखो, सही, आदाब मेजबानी अगर सीखना है तो दरख्तों से सीखो, जो अपने छांव में आने वाले किसी भी चरिन परिन इंसान से उसकी जात पात नहीं पूछता, क्या बात, वो तो कहता है जी आए कोई भी। हाँ बिल्कुल, और आप देखें, ये भी एक चैरिटी का हिस्सा है कि आप अपने अतराफ कहीं भी कोई जगह देख के उसको एक दरख्त लगाए वहाँ पे, अपने वालदेन के सारे सवाब के लिए, अपने बच्चों के नाम पे, अपने क्योंकि वाइफ के नाम आजकल पे। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप कहीं और पानी का जो है कूलर लगवा सकते हैं, बिल्कुल जी, मतलब बिल्कुल यही तरीके होते हैं। जी, मैंने मैंने अपने हॉस्पिटल के बाहर एक मिनरल वाटर प्लांट लगाया अच्छा, और उसके साथ एक चिलर भी लगाया हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ठंडा यख पानी सुबह सुबह लोग कूलरों में भर के लेके जाते हैं, और तकरीबन 70,000 लीटर की कैपेसिटी है उसकी पर डे, एक अच्छा, दिन में 70,000 लीटर वो पानी को मिनरल करके, मतलब उसमें कोई भी पानी आप डाल दें, हाँ और मिनरल वाटर तो जो आपको पता है इतना महंगा है कि हर एक आदमी मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरे यहाँ से लोग सुबह सुबह कूलर भर के ले जाते हैं, वो सारा दिन वो चिल रहता है पानी, पूरे गोले गंडे की तरह उससे पानी निकलता है, इतना चिल चिल करता है वो। मतलब बिल्कुल वो और आईसी उसमें, वो हमें ना हीट वेव जब भी कभी आती है कराची शहर में, तो जो मरीज हीट वेव का शिकार होके आते हैं जिससे गर्मी लग जाती है, उसमें भी हमें बहुत काम आता है, हम उसके पेड़ हमारे पास होते हैं, वो पेड़ भर के हम उसको पाँव में और सर पे रखते हैं, चलें जी, तो बहुत उससे भी अच्छा काम कर रहे हैं आप, जी जो है लोगों का इतना ख्याल भी कर रहे हैं और उनका इलाज भी मुफ्त में कर रहे हैं, बहुत ही नेक कामों की तरफ आपका रुझान है। मुझे ये बताएं कि शादी की आपने, लव बिल्कुल जी, मैरिज की या अरेंज मैरिज की? मिक्स थी, लव मिक्स भी थी थी, पहले। लेकिन हमारे हमारे दौर में मैंने जब शादी की 1993 में, उस वक्त इतना कोई कॉन्सेप्ट था नहीं लव मैरिज का, बड़ा अगर लव होता भी था तो वो ऐसा था कि सालों साल खत लिखो तो खत जाए तो खत आए, आजकल की तरह डिजिटल दौर नहीं था। सही। और अरेंज इस वजह से थी कि वालदेन गए रिश्ता लेके आए और मेरी शादी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 30-32 साल हो गए, हम बहुत अच्छी जर्नी गुजार रहे हैं और बहुत सही, अच्छा लगता है मुझे, मेरे बच्चे भी सब पढ़े लिखे हैं और बिजनेस भी करते हैं, सही, मुझे मेरे बिजनेस बच्चों ने ही बिजनेस से फारिग किया, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो चैरिटी के लिए वक्फ की। सही। फिर अगर मैं आपके हॉस्पिटल आपने बना जी लिया अगर ताकि, मैं जरिए माश में ही लगा रहता अभी सही, तो मैं कैसे चैरिटी करता, तो बिल्कुल मुझे जी, मेरे बच्चों ने बिजनेस से फारिग किया, और मैंने अरसे 5 साल से और अपने आने वाली जो भी अल्लाह पाक ने मुझे जिंदगी दी है मैंने चैरिटी के लिए वक्फ कर दिया, मैं अब सही, कोई काम नहीं करूँगा सिर्फ चैरिटी किया करूँगा। और मैं लोगों को ये ऑफर करता हूँ, इल्तजा भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस काम की तरफ आके देखें, सही, जरूरी नहीं है कोई हॉस्पिटल बनाए, दिल का सुकून मिलता कोई है। भी आप काम करें आप हाँ देखिएगा कि आपकी लाइफ इतनी सुकून वाली हो जाएगी सही, कि आप अपने आप को ना बहुत टेंशन फ्री महसूस करेंगे। सही, और जाहिर है अल्लाह पाक का वादा है कि जो अल्लाह की राह में 1 लगाता है तो उसका 70 मिलता है, बिल्कुल, मैं उसका सबूत हूँ, मैंने अल्लाह से कारोबार किया, सही, अल्लाह पाक ने मुझे 1 का 70 दिया, हाँ। मुझे कुछ नहीं पता होता कहाँ से आ रहा है, चले मगर जी, मुझे बड़ा हमारी अच्छा तरफ लगता से, है। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह करे कि आप आगे जाएं और आप लोगों की खिदमत करें, और जो आप काम कर रहे हैं इसमें अल्लाह और आपको आगे लेकर जाए। मेरे शो का वक्त होने जा रहा है ख़त्म, लेकिन जाने से पहले हमारी यूथ को, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैसेज ये है कि इंसान जो है ना यहाँ इस दुनिया में जो आया है तो किसी न किसी मकसद से आया है, तो चाहिए कि इंसान अपने उस मकसद पे रहे, सबसे पहले अपनी तालीम पे तवज्जो दें, अपने वालदेन का इज्जत और एहतराम करें, और माशरे में एक ऐसा किरदार अदा करें कि उन वालदेन को फ़ख्र हो कि यह हमारा बच्चा है और इसने माशरे में एक मुस्बत किरदार अदा किया। उसके साथ साथ जब भी कभी आपको मौका मिले तो आप अपने करीबी अतराफ में देखते हुए और लोगों की मदद ज़रूर करें, किसी भी तरह से, ज़रूरी नहीं रुपए पैसे से, किसी भी तरह से अपने अमल से ये करें, इस तरह मदद करें कि उनको ज़हनी आसूदगी हो। हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान शहर में खुसूसन कराची में ज़हनी आसूदगी बिल्कुल नहीं है, लोग इंतहाई टेंशन और परेशानी में वक्त गुजारते हैं, खुदारा लोगों से लड़ें झगड़ें ना,
और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें ताकि जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर सके। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।